अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम हैं इस वक्त ये ज़मीन में। अभी तक की तैयारी ये है कि हमने ज़मीन को जो है रोटावेट किया है। इसके अंदर जो पुरानी जड़ी बूटियां लगी हुई थी उसके लिए ज़मीन थोड़ी सी नरम हो गई है। आज रात को पानी लगा के इसमें दे दिया जाएगा चट्टा बीज का जंतर के। जंतर इज़ यूज फॉर ग्रीन पर्पसेस। वो जो है ग्रीन खाद का काम करेगा हमारे लिए, ग्रीन फर्टिलाइज़र का। और ये देखें जी, ये हमारे बिल्लू भाई हैं। बिल्लू भाई हमारे साथ हैं। ये बिल्लू भाई ने बड़ा काम करवाया यहाँ पे। ये सारा ये जो आप इस वक्त ज़मीन देख रहे हैं ये बिल्लू भाई के काम है। बिल्लू भाई ने किया, बिल्लू भाई ने हमें बताया नहीं, वरना हम बिल्लू भाई के जो था ना ये ज़मीन तैयारी के सारे शॉट लेते आपसे। और फिर ऐसा है कि अगर दोबारा कोई इस तरह का काम आता तो हम वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा ज़रूर देंगे कि ये काम हुआ कैसे। बाकी बिल्लू भाई जिंदाबाद। और आज शाम को बिल्लू भाई, आज शाम को हम लोगों ने पानी के साथ जंतर जो है लगा देना। आज शाम को जंतर जी हमारा यहाँ पे लग जाएगा। और जंतर को ऊपर ज़मीन से बाहर निकलते निकलते तीन से चार दिन तकरीबन तीन से चार दिन में जंतर की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जंतर जो है वो हमें नज़र आ जाएगा। जो आज शाम जंतर लगा दिया जाएगा, जंतर दो से तीन, तीन से चार दिन की वो है जर्मिनेशन है उसकी। तीन से चार दिन में जंतर तैयार तो नहीं होगा, निकल आएगा, उग आएगा, उसकी स्टार्ट हो जाएगी जर्मिनेशन। और एक महीना से सवा महीने तक जंतर का जो है वो हमारा है टारगेट है कि उसे हमने इतना इतना कर लेना है। तकरीबन डेढ़ से दो फुट हो जाएगा बिल्लू भाई, तो हम उसे रोटावेट कर देंगे। रोटावेट कर देंगे, वो हमारी ज़मीन के अंदर किसी भी खाद से जो है ना इतने रिजल्ट नहीं आ सकते जितने हम उससे जंतर अकेले से ले लेंगे। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे तब हम लोगों ने जंतर लेकर आए थे। जंतर कास्ट करना था हमने एज अ प्रिपरेशन फॉर द लैंड, ज़मीन की तैयारी के लिए जंतर हमने लगाया था। इस वक्त जंतर की जर्मिनेशन ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। जितना हमने फेंका था वो जंतर उगाया। तो जंतर को हम तकरीबन महीना एक काश्त करेंगे। एक महीने के बाद वापस जो है जंतर को फिर दोबारा रोटावेट कर देंगे ज़मीन के अंदर ही। और ये वाले नहीं, ये वाले जो हैं ये इस एरिए के ऊपर जंतर काश्त किया हुआ है। बी रोल्स में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह जंतर जो है वो उग के आ गया सामने। तो ये तकरीबन पाँच दिन का रिज़ल्ट है। पाँच दिन के अंदर माशाल्लाह से इस पूरे के अंदर जंतर जो है वो उगा है। इस वक्त हमें जंतर को लगाए हुए तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन की अपडेट है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी फील्ड लश ग्रीन वाली उग चुकी हुई है माशाल्लाह। और अभी चूँकि हम लेट हो गए थे जंतर की काश्त में, हमें तकरीबन एक महीना पहले लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इस वक्त फील्ड आप देख लें, फील्ड बड़ी ज़बरदस्त खड़ी हुई अपनी पोजिशन पर। और हमें तकरीबन जंतर को अभी 20 दिन और देने हैं। तकरीबन 20 दिन और देंगे तो ये से 1.5 फुट के उस पर आ जाएगा लेंथ पे। फिर हम इसको ज़मीन के अंदर रोटावेट कर देंगे और ये हमारी ग्रीन फर्टिलाइज़र के तौर पर परफेक्टली तैयार होगा। एक मसला हो गया सर जी छोटा सा, और वो ये हुआ है कि बॉयज अभी रोटावेटर स्टार्ट किया था और ये देखें ये झाड़ियाँ जो थी उसके अंदर फंस गई हैं गलती से और अभी निकल नहीं रही। ये कुछ हमने निकाल के रखी हैं जो वो हैं वो देखें वो शबाज भाई गए हैं दातरी पकड़ने के लिए। ये दातरी से इसे हम यहाँ से काटेंगे ताकि चल सके। और हमारा ये जो
आज हमारे इस वक्त ये डाली के लिए जो हमारी लैंड प्रिपरेशन है उसका ये तकरीबन ये समझ लें कि आखिरी फेज़ नहीं कहूँगा, इस जो वीडियो के लिए आखिरी दिन होगा, क्योंकि इसके बाद तकरीबन हमारे 2-3 फेजेज़ और होंगे, पर तब तक फिर गार्लिक सोइंग करीब आ जाएगी, तो हम उसकी वीडियो पे फोकस कर रहे होंगे। और तो जो मेन वीडियो वो यहाँ पे आज हम एंड कर देंगे। अभी हम इस वक्त ऑल डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, जानवरों का वेस्ट ठीक हो गया और इस वेस्ट को डाला जा रहा है एज अ कंपोस्ट कह लें आप लोग, सॉइल फर्टिलाइजेशन के तौर पर ठीक हो गया। इसके बाद खादों का जो प्रोसीजर होगा या ज़मीन की तैयारी में जो जो नेक्स्ट प्रोसीजर या स्टेप्स आएंगे उसकी शॉर्ट जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स बना के मैं इसी चैनल पर डालता रहूँगा, ताकि आप लोग साथ साथ अपडेटेड रहें कि ज़मीन को क्या तैयारी मिल रही है या क्या ज़मीन को तैयार किया जा रहा है, कितनी खाद या जो भी हमारा सारा सिस्टम होगा इसे देखें कि वो ज़मीन के अंदर फैला रहे हैं। अभी 2-3 चक्कर लगेंगे यहाँ पर, जितनी है उसको हल्का हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं करेंगे, ताकि ज़मीन के अंदर एक अच्छी कंपोस्ट जो है वो चली जाए ज़मीन को, एक नेचुरल जितनी भी खाद हम दे सकते हैं वो दें, इसके अलावा जो दूसरी खादें होंगी वो भी दी जाएंगी। अभी के लिए वैसे मैं बता देता हूँ कि एक DAP, एक नाइट्रोफास और एक पोटाश जो है वो हमने लाजमी देनी है पर एकड़ के हिसाब से। हमारा लैंड इस वक्त पर एकड़ से कम है, तो हम उसको उसी तरह से डिवाइड कर लेंगे, आपका जितना होगा आप उस तरह कर लीजिएगा। और ज़मीन प्रिपरेशन की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली अपडेट्स जो हम आपको शॉर्ट्स में आएंगी, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी लॉन्ग आएगी सीरीज़ की, वो आएगी गार्लिक की सोइंग के ऊपर, कि किस तरह सोइंग होगी, किस तरह बेड्स बनेंगे, जो भी सिस्टम होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।